जनवरी साल 1992 ये पहली बार था जब सौर मंडल के बाहर एस्ट्रोनॉमर अलेक्जेंडर वुल्फजॉन और डेल फ्रेल ने एक पेपर में दो पथरीले ग्रहों की खोज पर मोहर लगाई थी, जिनकी खोज ये दोनों 9 फरवरी साल 1990 में ही कर चुके थे। ये दोनों ग्रह करीबन 2300 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद विर्गो नक्षत्र की ओर एक 20 किलोमीटर जितने पल्सार पीएसआर B125 7+12 की परिक्रमा करते नजर आए थे। ठीक दो साल बाद साल 1994 को इस पल्सार के इर्द गिर्द कम द्रव्यमान वाला एक और ग्रह खोज निकाला गया था, और तब हम पहली बार अपने सौर मंडल के बाहर किसी तारे के इर्द गिर्द नई दुनियाओं को देख पाए थे। वो बात अलग है कि ये पल्सार लगातार रेडिएशन की बहुत भारी मात्रा इन तीनों ग्रहों पर लगातार छोड़ता रहता है, जिसके चलते ही इन पथरीले ग्रहों पर किसी भी प्रकार की ऑर्गेनिक लाइफ की संभावना खत्म हो जाती है। ये खोज इतनी जबरदस्त साबित हुई कि हमारी पृथ्वी जैसे जीवन योग्य ग्रहों की तलाश में इसने एक चिंगारी का काम किया। इसी के चलते हम पहली बार 50.4 प्रकाश वर्ष दूर पेगासस नक्षत्र की ओर सूर्य जैसे एक मेन सीक्वेंस तारे 51 पेगासी के इर्द गिर्द एक एक्सोप्लैनेट को खोज पाने में सक्षम हो सके थे। ये बात और थी कि ये जुपिटर से आधे मैस जितना एक गैस जायंट ग्रह था, जो अपने तारे को इतने करीब से ऑर्बिट करते हुए देखा गया कि वैज्ञानिकों का अनुमान था कि ये ग्रह करीबन 1200 डिग्री सेल्सियस का तापमान अनुभव करता होगा। उसके बाद से अभी तक तकरीबन 3393 तारामंडलों में, जहां हम 4500 से ज्यादा ग्रहों की पुष्टि कर चुके हैं, तो 8000 के करीब ऐसे हैं जिनकी पुष्टि होना अभी बाकी है। अब इन सभी कन्फर्म्ड हजारों ग्रहों में से सबसे रोचक और कमाल की बात तो ये थी कि ये सभी ग्रह जिन भी तारामंडलों में खोजे गए थे, उनमें मौजूद लगभग सभी तारों का द्रव्यमान 3 सोलर मैसेस से ज्यादा नहीं था। अब तक एस्ट्रोनॉमर्स ने यह नहीं सोचा था कि इस द्रव्यमान से ज्यादा द्रव्यमान वाले तारे एक्सोप्लैनेट्स को होस्ट कर भी सकते होंगे, लेकिन हाल ही में उनकी इस सोच पर विराम लगाती एक ऐसे तारामंडल की खोज सामने निकल कर आई है जिसने एस्ट्रोनॉमर्स की इस मानसिकता पर उनको दोबारा से सोचने पर मजबूर कर दिया। ग्रहों को खोजने की कई तकनीकों में से एक डायरेक्ट इमेजिंग के जरिए, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट इमेज्ड यानी सीधे सीधे उसकी तस्वीर लेना, इसी तकनीक की सहायता से एस्ट्रोनॉमर्स ने करीबन 325 प्रकाश वर्ष दूर सेंटोरस नक्षत्र की ओर एक ऐसा अजीबोगरीब तारामंडल इमेज्ड किया जिसने इस विशाल ब्रह्मांड में प्लैनेटरी सिस्टम्स की डायवर्सिटी यानी विविधताओं को लेकर हमारी समझ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। डायरेक्ट इमेजिंग में नजर आया ये प्लैनेटरी सिस्टम दरअसल एक बाइनरी सिस्टम है जो जाना जाता है सेंटोरी बी नाम से, और ये अब तक खोज निकाला गया इकलौता सबसे मैसिव बाइनरी सिस्टम है जिसके इर्द गिर्द एक ग्रह की पहचान की गई है। इन दोनों तारों का मिला जुला द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 10 गुना से ज्यादा निकलकर सामने आया है। इससे पहले तक किसी भी एक्सोप्लैनेट को 3 सोलर मैसेस से अधिक तारे की परिक्रमा करते हुए नहीं देखा गया था। इस तारामंडल को यही एक बात इतनी अजीब नहीं बनाती है। इन दोनों तारों के इर्द गिर्द मंडराता ये ग्रह जो जाना जाता है बी सेंटोरी बी नाम से, खुद में बहुत अजीब निकलकर सामने आया है। सबसे पहले तो इसका द्रव्यमान ही जुपिटर ग्रह से तकरीबन 10.9 गुना तक आंका गया। वहीं यह इन दोनों तारों की परिक्रमा बेहद विशाल दूरियों से करता नजर आया है। यह दूरी करीबन 556 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितनी तक आंकी गई, जो जुपिटर की सूर्य से औसतन ऑर्बिटल डिस्टेंस के तुलनात्मक लगभग 100 गुना तक ज्यादा है। स्वीडन में स्टॉकहोम विश्वविद्यालय के एक खगोलविद मार्कस जेनेसन का कहना है कि बी सेंटोरी तारामंडल के चारों ओर एक ग्रह को खोजना बहुत रोमांचक था, क्योंकि ये बड़े विशालकाय भारी तारे जो अपने इर्द गिर्द ग्रहों को रखते हैं, ग्रहों की निर्माण प्रक्रिया की तस्वीरों को पूरी तरह से बदल सकते हैं। किसी एक्सोप्लैनेट को सीधे तौर पर ऐसे तस्वीरों में उतार लेना अपने आप में ही एक उपलब्धि है, क्योंकि वे हमसे बहुत दूर होते हैं और बहुत कम रोशनी को ही रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, विशेष रूप से तब जब पड़ोस में ही बेहद चमकदार तारा शक्तिशाली रेडिएशन के साथ चमक बिखेर रहा हो, जिनकी रोशनी के आगे इन एक्सोप्लैनेट्स को हमारी वर्तमान तकनीक से सीधे तौर पर तस्वीरों में उतार पाना लगभग असंभव हो जाता है। शायद यही कारण भी है कि अब तक इस तकनीक से 4500 ग्रहों में से महज 50 से कुछ ऊपर ही खोजे जा सके हैं। बी सेंटोरी बी नाम का ये ग्रह भी ऐसा ही एक दुर्लभ अपवाद है, क्योंकि यह बहुत बड़ा है, दूरी में हमसे करीब है, और सबसे अलग ये जिन दो तारों की परिक्रमा कर रहा है उनसे इतनी दूरी पर है कि उनका प्रकाश इस ग्रह को हमारे लिए दिखाई न पड़ने वाली स्थिति में नहीं बदल देता है।
नया मिला ये सिस्टम कई दूसरे तरीकों से भी आकर्षक नजर आता है। हमारे सूर्य के तुलनात्मक ये अभी बहुत यंग सिस्टम है। इसकी उम्र अभी महज 1,50,00,000 वर्ष या उससे थोड़ी ही ज्यादा है। इसकी तुलना में हमारा सूर्य 4.6 अरब वर्ष जितना पुराना है। ये दोनों ही तारे एक दूसरे को बेहद करीब से ऑर्बिट कर रहे हैं, इतने कि हाल तक इन्हें एक ही तारा माना जाता रहा था। ये दोनों ही यंग और मैसिव स्टार्स बेहद ज्यादा गर्म हैं। बी सेंटोरी सिस्टम का मुख्य तारा वास्तव में बहुत गर्म है। इसे बी टाइप स्टार के रूप में जाना जाता है। यह इतना गर्म और चमकदार है कि यह नीला दिखाई पड़ता है। वैसे अगर आप तारों के प्रकार और इसकी क्लासेस को जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में आपको उस एपिसोड का लिंक मिल जाएगा। अब क्योंकि ये मैसिव तारे एक्सरेज और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का विस्फोट लगातार करते रहते हैं, जिसके चलते ये माना जाता था कि एक्सोप्लैनेट्स का इनके करीब बनना बहुत मुश्किल है। लेकिन बी सेंटोरी बी ग्रह की खोज से पता चलता है कि यह असंभव नहीं है, और तो और इन तरह की दुनियाओं के हैबिटेबल होने की संभावनाएं भी नहीं है। स्टॉकहोम विश्वविद्यालय से एस्ट्रोनॉमर गायत्री विश्वनाथ का कहना है कि बी सेंटोरी सिस्टम में मौजूद इस एलियन दुनिया का वातावरण पूरी तरह से अलग होगा उससे जो हम यहाँ पृथ्वी पर और हमारे सौर मंडल में अनुभव करते हैं। यहाँ होने पर एक कठोर वातावरण महसूस होगा। यहाँ बहुत अधिक मात्रा में रेडिएशन यानी विकिरण का प्रभुत्व होगा, क्योंकि यहाँ सब कुछ विशाल पैमाने पर है। तारे बड़े हैं, ग्रह बहुत बड़ा है, और तो और दूरियां भी बड़ी हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि ये दूरियां ही यह समझने की कुंजी यानी चाबी हो सकती है कि यह एक्सोप्लैनेट इतनी कठोर वातावरण में खुद को बचा पाने में कैसे कामयाब रहा हो सकता है। तारों से इस ग्रह का यह सेपरेशन यानी उनसे जल्द अलग होना ही इस गैस जायंट ग्रह को तारों के खतरनाक रेडिएशन के चलते भाप यानी वाष्पित होने से बचा गया, जो ये इनके करीब रहकर कभी नहीं कर पाता। हालांकि बी सेंटोरी बी ग्रह एक ऐसा ग्रह निकलकर सामने आया है जो ग्रहों के निर्माण के हमारे मॉडल्स के लिए चुनौती पैदा करता दिखा है। हम ये जानते हैं कि तारे मॉलिक्यूलर क्लाउड्स में बनते हैं जब डस्ट और मटेरियल खुद के गुरुत्वाकर्षण में कोलैप्स होकर क्लम्प्स बनाकर घूमना शुरू करते हैं। इसी प्रोसेस के दौरान तारे के चारों ओर गैस और धूल की एक डिस्क फैल जाती है, जिसे जन्म लेता तारा फीड करना शुरू कर देता है और अपना मास बढ़ाता चला जाता है। एक बार जब तारा बनना समाप्त हो जाता है तो बचा हुआ मटेरियल उसके चारों ओर एक डिस्क बनाकर वैसे ही घूमता रहता है। समय के साथ धीरे धीरे ये मटेरियल के क्लम्प्स वापस से चिपकना शुरू कर देते हैं और बड़े होते होते आखिरकार ग्रह की शक्ल लेते हैं। यह मॉडल कोर एक्रेशन मॉडल कहलाता है। लेकिन दिलचस्प बात ये कि ये मॉडल बी सेंटोरी बी नामक इस ग्रह पर लागू नहीं होता है, क्योंकि ये ग्रह अपने दोनों पैरेंट स्टार्स से बेहद विशाल दूरियों पर देखा गया है। एक अल्टरनेटिव थ्योरी कहती है कि एक्सोप्लैनेट्स ग्रेविटेशनल इनस्टेबिलिटी के चलते भी बन सकते हैं, जिसमें डिस्क में गैस और धूल के क्लम्प्स यानी झुरमुट सीधे एक ग्रह में कोलैप्स कर जाते हैं। हालांकि बी सेंटोरी बी ग्रह और बी सेंटोरी तारों का मास रेशो हमारे सौर मंडल के सूर्य और बृहस्पति ग्रह के मास रेशो के बहुत करीब है, जो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कोर एक्रेशन मॉडल संभव हो सकता है। उस स्थिति में ये एक्सोप्लैनेट इन बाइनरी तारों के करीब ही बना हो सकता है, लेकिन समय के साथ माइग्रेट होकर अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंच गया हो सकता है। बेहद विशाल दूरियों पर मिला ये एक्सोप्लैनेट प्लैनेटरी सिस्टम्स को लेकर हमारी समझ को एक बार फिर से परिभाषित करने में मदद कर रहा है। यह दर्शाता है कि एक्सोप्लैनेट्स हजारों पिछली एक्सोप्लैनेट्स की खोजों को देखते हुए जो हमने मान लिया था उनसे कई बेतहाशा अलग और अधिक चरम स्थानों पर भी बन सकते हैं। इस ग्रह के ओरिजिन यानी उत्पत्ति और एवोल्यूशन यानी विकास पर काम करना या स्टडी करना ही हमें और अधिक सिखाएगा। जॉनसन का कहना है कि यह पता लगाने की कोशिश करना एक पेचीदा काम होगा कि यह कैसे बना होगा, जो इस समय तक तो रहस्य ही है। इस ग्रह को लेकर आपका क्या मानना है? क्या इसका निर्माण अपने तारे के बहुत करीब हुआ होगा जो इसे कोर एक्रेशन मॉडल में लाती है, या तो फिर गैस और धूल के क्लम्प्स सीधे ही इस ग्रह में कोलैप्स करे होंगे जो इसके निर्माण को ग्रेविटेशनल इनस्टेबिलिटी में लाती है? अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा इस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करने के साथ। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।